नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदी की कक्षा में। मैं मनोज खंडेलवाल आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब हमारी वीडियो देख रहे होंगे। मित्रों, गद्य के हमने दो पाठ ख़त्म कर दिए थे और तीसरा जो पाठ है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में मैं कल आपको बता के गया था। पाठ का नाम था मजदूरी और प्रेम। पाठ का नाम था मजदूरी और प्रेम और इसके लेखक थे सरदार पूर्ण सिंह। तो पहले तो आज हम सरदार पूर्ण सिंह के बारे में बात करें और उसके बाद अपन बात करेंगे मजदूरी और प्रेम। बहुत अच्छा पाठ है और इसकी बात जो है भावात्मक जो बातें हैं वो आनंददायक हैं। सार इस पाठ का बहुत अच्छा है तो देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरदार पूरन सिंह के बारे में। तो सरदार जो पूरन सिंह थे ना, ये भावों के निबंध लिखा करते थे। तो भावात्मक निबंधों के जन्मदाता थे। कौन थे ये भावात्मक निबंधों के जन्मदाता? भावात्मक निबंधों के जन्मदाता थे और उत्कृष्ट गद्यकार थे। बहुत अच्छे गद्य लिखा करते थे। भावात्मक निबंधों के जन्मदाता और उत्कृष्ट गद्यकार, जिनमें हृदय की विशालता थी और भारतीय की विचारधारा उनके हृदय में कूट कूट कर भरी थी। भारतीयता की विचारधारा हृदय में कूट कूट करके भरी थी। उनका पूरा जो साहित्य था भारतीय संस्कृति और सभ्यता से प्रेरित होकर के लिखा गया था। पूरा साहित्य जो सरदार पूरन सिंह जी ने लिखा था, पूरा साहित्य भारतीय संस्कृति और सभ्यता भारतीय संस्कृति और सभ्यता से प्रेरित होकर के लिखा गया था। इन्होंने सामाजिक और आचरण संबंधी विषयों पर निबंधों की रचना की थी। सामाजिक और आचरण संबंधी विषयों पर निबंधों की रचना की। निबंधों की रचना की विचारशीलता के साथ, विचारशीलता इनके निबंधों में बहुत ज्यादा थी, साथ ही भावुकता थी। तो विचारशीलता के साथ भावुकता ने मिलकर इनके लेखन को आकर्षक और प्रभावशाली बना दिया था। इनके निबंधों के संबंध में कि सबसे बड़ी जो बात ये थी कि इन्होंने, इनके ज़्यादा निबंध अभी तक मिले नहीं गए थे। इन्होंने जितने भी निबंध लिखे उन सब में भावात्मकता और विचारशीलता ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। इनके निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनके केवल 6 निबंध ही उपलब्ध हैं, लेकिन इतने नहीं, इन्होंने हिंदी साहित्य पर अमिट छाप छोड़ दी।
इनके केवल 6 निबंध ही उपलब्ध हैं, लेकिन इतनी कम में ही इन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी अमिट छाप छोड़ दी। बहुत छाप इन्होंने छोड़ी थी। इनका जन्म जो था 1831 में हुआ था, भूल गया था, 1831 में इनका जन्म हो गया था और 1931 में इनका 1881 में इनका जन्म हुआ था और 1881 में और 1931 में इनका निधन हो गया था। पेशे से अध्यापक थे। पेशे से क्या थे? ये अध्यापक थे, इसलिए इनको इनको अध्यापक पूरन सिंह के नाम से जाना जाता है। इन्हें अध्यापक पूरन सिंह के नाम से अध्यापक पूरन सिंह के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग के मूर्धन निबंधकारों में इनकी गणना होती है। एक लाइन और लिख देता हूं, द्विवेदी युग के निबंधकारों में उनकी गणना होती है। इनकी गणना द्विवेदी युग के मूर्धन्य गद्यकारों में इनकी गणना होती है। और एक चीज़ और बस इनकी, और उसके बाद ख़त्म करते हैं। इन्हें भारत की राष्ट्रता से बहुत अधिक लगाव था। भारतीयता इनके हृदय में कूट कूट कर भरी थी। यही कारण है कि अब इन्होंने अपने अधिकतर जो निबंध थे वो हिंदी भाषा में रचना की। इसके साथ ही ये भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक थे और विचारक थे, क्योंकि इन्होंने जितने भी साहित्य लिखा वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति से प्रेरित होकर के लिखा गया था। इन्होंने एक स्वप्न देखा था भारत के विकास का, भारत की सभ्यता के विकास का, जो नवीन समाज और सभ्यता का विकास होगा, ऐसा इन्होंने सब क्या कहते हैं विकास सपना देखा था। इनके निबंधों पर स्वामी रामतीर्थ और स्वामी विवेकानंद के विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ा था। इन दोनों महापुरुषों के प्रभाव से इनके साहित्य में कल्याण, लोक कल्याण की भावना एवं सहृदयता की भावनाओं का विकास हुआ। इन्होंने श्रम, सदाचार, प्रेम, समता, आत्मिक उन्नति आदि विषयों पर अपनी लेखनी चलाई। थोड़ा सा इसमें मिटा देता हूँ, इसी में लिखना है आपको। श्रम, श्रम, सदाचार, पवित्रता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, पवित्रता, आचरण सभ्यता, मजदूरी और प्रेम और सच्ची वीरता, वीरता और एक लास्ट है अमेरिका का
मस्त जोगी। मस्त जोगी नाम था उसका वाल्ट हिल्टमैन। ये इन्होंने निबंध थे, ये छह निबंध इन्होंने लिखे। ये छह निबंध इन्होंने लिखे। इन निबंधों में भाषा की व्यापकता पूर्ण रूपेण पाई जाती है। भाषा की व्यापकता पूर्ण रूपेण पाई जाती है, इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था उसे और लिख लेते हैं इनके बारे में। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था कि इनके निबंधों में विचारों और भावों की एक अनूठे ढंग से मिश्रित करने वाली आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था इनके निबंधों में विचारों और भावों की एक अनूठे ढंग से मिश्रित करने वाली एक नई शैली मिलती है। ये सरदार पूरन सिंह के बारे में लिखा था। ये छह निबंध इन्होंने लिखा था, लेकिन छह निबंधों में इन्होंने बहुत अपना प्रभाव ऐसा छोड़ दिया कि इन्हें भूला नहीं जा सकता। अब इस पाठ के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। सरदार पूरन सिंह ने क्या कहा था, मजदूरी और प्रेम। इसमें लेखक ने आज के जो यांत्रिकता का युग है, आज का जो मशीनरीकरण का युग है, इस युग का तिरस्कार कर लेखक ने देखो क्या कहा है कि जो मशीनरीकरण का युग चल रहा है, यांत्रिकता का जो दौर चल रहा है, जिसमें आजकल बेरोजगार आदमी प्राय देखे जा रहे हैं, तो इस यांत्रिकता के युग को तिरस्कार कर हाथ के कला कौशल को महत्व दिया है कि हाथ का जो कला कौशल है उसका महत्व इस पाठ के माध्यम से बताया है। इस पाठ पर बताया है लेखक ने कि मजदूर वर्ग को लेखक ने उच्च सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दिया, यानी यहाँ जो निम्न वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो हाथ का कारीगर होता है, उसको सबसे ऊंचा सिंहासन पर विराजमान इस पाठ के माध्यम से लेखक कर रहा है। इसी आधार पर मजदूर की मजदूरी प्रेम से ही चुकाई जा सकती है, और ये कहा है कि अगर मजदूर की जो मजदूरी है अगर चुकाना है तो प्रेम से चुकाया जा सकता है, पैसों से उसकी मजदूरी नहीं चुकाई जा सकती, धन से नहीं चुकाई जा सकती। तो ये पाठ का जो शीर्षक है, पाठ का जो सार है, मजदूरी प्रेम, बहुत अच्छा है, और अपन इसे देखते हैं सब। हाँ, तो आज हम इस पाठ को अब देखते हैं और पाठ की शुरुआत करते हैं शीर्षक हल चलाने वाले किसान के जीवन से। लेखक ने बताया कि जो किसान होते हैं वह स्वभाव से साधु और तपस्वी होते हैं। लेखक ने तपस्वी और साधु के समान किसान को बता दिया। जिस तरह तपस्वी जो होते हैं हवन करते हैं, यज्ञशाला चाहिए जिसमें वो अपनी आहुतियाँ होम करते हैं, तो किसान के लिए खेत क्या है, खेत ही उसकी यज्ञशाला है। खेती उसकी क्या है, यज्ञशाला है। और
खेती उसकी यज्ञशाला है और उसी में अपने जीवन का हम करते हुए उसी में अपने जीवन का होम करते हुए जीवन का होम करते हुए अपने मेहनत के कणों कणों को फसल के रूप में उगाता है। फसल के रूप में उगाता है अपनी मेहनत के कणों को फसल के रूप में उगाता है। वह अपनी खेती को ही मंदिर मानकर खेती को ही मंदिर मानकर उसकी उपासना करता है। यानी लेखक ये कहना चाह रहा है कि उस वह ना तो सुबह ना शाम भगवान की आरती करता है, उसका कोई किसी से मतलब नहीं है, खेती ही उसका मंदिर है, बैल ही उसके आराधना का पुजारी है। वो सुबह से सुबह जल्दी जगना, बैलों को चारा डालना, उनके पुचकारना, उन्हीं के साथ जाना, सुबह 6 बजे जग करके हलों को साथ लेकर के खेती पर चले जाना, यही उसे नित्य आराधना के केंद्र हैं, यही उसके मंदिर है और इन्हीं को वो उपासना का केंद्र मान करके पूजा करता है। और वो बड़ा सज्जन निश्चल और आध्यात्मिक है, सज्जन सज्जन निश्चल और आध्यात्मिक है, सज्जन भी है निश्चल भी है और आध्यात्मिक भी है। और वो विशेषता और क्या बताइए कि वह बेमुकट का गोपाल, बेमुकट का गोपाल, सच्चा फकीर, बेमुकट का गोपाल, सच्चा फकीर, गायों का मित्र, बैलों का हमजोली, बैलों का हमजोली और बैलों का हमजोली और सभी का अन्नदाता है। लेखक ने किसान को ब्रह्मा बताया है, ब्रह्मा के समान, जिस तरह ब्रह्मा सभी का कहते हैं पालन सॉरी जन्मदाता है, उसी तरह किसान भी अन्न को पैदा करता है और अन्न ही वो वस्तु है या वो सामग्री जिसके कारण हम जीवित रहते। तो अर्थात अगर आज हम जीवित हैं तो किसान के कारण है, किसान अगर अन्न नहीं उगाएगा तो हम खाएंगे क्या। तो वही बात बताया है, किसान को ब्रह्मा के समान इस पाठ में लेखक ने बताया है। और आगे इस पाठ में ये भी बताया है कि कैसे वो सभी का पालन पोषण करता है, बेमुकट का वो गोपाल, क्योंकि गायों का पालन करने वाला है लेकिन उसके सिर पर मुकट नहीं, इसलिए भी उसे बेमुकट का गोपाल कहा जाता है। सच्चा फकीर, देता है लेता किसी से कुछ है नहीं, गायों का वो मित्र है, बैलों का हमजोली है और हम सभी का वो अन्नदाता है। लेखक पूरन सिंह ने किसान को साधु भी कहा है, क्या कहा है, साधु भी कहा है। लेखक ने किसान को ब्रह्मा भी कहा है। लेखक यहाँ श्रम का जो महत्व लेखक इस पाठ के माध्यम से बता रहा है उसके बारे में ये कहा है कि ईश्वर के दर्शन अनमोल आत्मा के दर्शन होते हैं जब वो किसान को देखता है। किसान जो है प्रातःकाल उठता है तो अपने हलों को और अपने बैलों को नमस्कार करता है और किसी को नमस्कार नहीं करता, वो अपने हवन को सॉरी वो अपने बैलों को और अपने हलों को उठते ही नमस्कार करता है। खेत की किसान को लेखक ने हवनशाला बताया है। लेखक कहना चाहता है कि जब कोई अतिथि किसान के पास आता है
और किसी के पास आता है तो 1, 2, 4, 5 दिन जैसे रहता तो उब जाते हैं हम लोग, मेहमान नवाजी नहीं कर सकते। लेकिन जब एक किसान के पास कोई अतिथि आता है तो किसान उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, किसान मृदु वचन बोलता है, आइए बैठिएगा, मीठा जल और अन्न से आतिथ्य सत्कार करता है, मीठा जल पिलाता है, भोजन कराता है और तथा प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है। ये किसान का आचरण है, ये किसान का आचरण है। तो इस पाठ में, निबंध में लेखक कुछ हमें सीख देना चाहता है और वो क्या है कि सीख दिया है कि आज हमारे जीवन में आपस का जो लेन देन का जो व्यवहार था, आपस का जो हमारा सामाजिकता का जीवन था, वर्तमान जो जीवन है उसमें आंतरिक प्रेम जो है उसमें कमी आ रही है, एक दूसरे के प्रति मानवता प्रेम भाईचारा खत्म होता जा रहा है। इसलिए हमें आंतरिक प्रेम और सेवा जो भाव है उसका महत्व समझना चाहिए, इसका हमें महत्व समझना चाहिए। यहाँ लेखक कह रहा है कि हल चलाने वाले जो होते हैं ना वो स्वभाव से साधु होते हैं। इस पाठ में एक और आएगा भेड़ चराने वाले, तो हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले स्वभाव से साधु होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जिस प्रकार साधु अच्छी बातों के अपनाने वाले होते हैं, परोपकारी होते हैं और पवित्र होते हैं, उसी प्रकार किसान भी परम पवित्र, बुरी बातों से हमेशा दूर और आजीवन परोपकारी होते हैं। प्रश्न ये आता है कि लेखक ने किसान को बेमुकट का गोपाल क्यों कहा है, कि जिस प्रकार श्री कृष्ण गायों का पालन पोषण करने के कारण गोपाल कहलाए, उसी प्रकार किसान भी गायों का पालन पोषण करते हैं लेकिन उनके सिर पर मुकट नहीं है। श्री कृष्ण जो थे मोर का मुकट, के पंखों का मुकट पहनते थे, पर किसान के सिर पर मुकट नहीं है, इसलिए किसान को बेमुकट का गोपाल कहा गया है। आगे इस पाठ में लेखक चालू कर रहा है गडरिये का जीवन। जो गडरिया है, जो भीड़ चराता है, उसका कोई घर नहीं है, बेनाम है उसका कोई नाम नहीं है, बेपता है उसका कोई पता नहीं है, बेघर उसका कोई घर नहीं है। दो उसकी कन्याएं हैं और अच्छी है, सुंदर हैं, कलर उनका गोरा है। इस पाठ के माध्यम से बताएंगे कि वो दोनों बहन जो हैं घूमर खेल रही हैं, वो किसी भी चीज़ से कहते हैं उसे अनभिज्ञ, हर चीज़ से उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। तो लेखक उन गडरिया के माध्यम से उस निम्न वर्ग की कैटेगरी का चित्रण इस पाठ में करता है, जो हम कल के टॉपिक में आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।